गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न नंबर 1 पढ़ा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB का मान 3 मीटर, BC का मान 4 मीटर, CD का मान 4 मीटर, AD का मान 5 मीटर, विकर्ण AC का मान भी 5 मीटर। यहाँ नाप के जरूरी नहीं है, बिगर नाप का कोई भी एक चित्र बना लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि इस चतुर्भुज में तो अपने आप ही दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ACD, और इन दोनों का क्षेत्रफल किससे निकाल ले? हीरो के नियम से। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए, जब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो A = 4, B = 5, C = 3। मैंने बताया था आपको कि A का मतलब A के सामने की भुजा, B का मतलब B के सामने, C का मतलब C के सामने। अर्ध परिमाप S = A + B + C/2, तो कितना हुआ? 4 + 5 + 3/2 बताइए इतना हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 5 × 4 = 9, 3 = 12 हो गए, 12 × 2 का भाग दिया 6 मीटर, अर्ध परिमाप ऐसा गया। अब हम आपको एक थोड़ा दूसरा अलग हटके तरीका बताते हैं, वही बात आएगी। S - A का मान निकालते हैं, चलो रहने दीजिए, इसी से करते हैं अपन, तो फिर आपके पास कंफ्यूज हो जाएगा, क्लास में बता देंगे आपको। हीरोन के नियम से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। S - A S - B - C बराबर, S का मान रखिए, बताइए बताइए कितना है S का मान? कोई बताएगा? 6 है ना। छ माइनस 4 6 - 5 6 - 3। बताइए अब क्या करना है? देखिए बताइए, 6 में से 4 गए तो 2 + 1 = 3, गुणा कर दीजिए, 6 × 12 = 36, अंडर रूट 36 बराबर 6, इकाई मीटर में थी मीटर स्क्वायर, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग मीटर।
यहां हो गया। अब बच गया कौन सा त्रिभुज? एसीडी, त्रिभुज एसीडी में। अब देखिए ए बराबर चार, सी बराबर चार और डी बराबर है पांच, नियम के तहत। तो आपको दिक्कत आए ना, तो आप इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको ये मानना दिक्कत आ रही है तीन भुजा होती है, इसको मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, चार प्लस चार प्लस पांच बटे दो, चार चार आठ, आठ पांच तेरह। देखिए कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि आपका सवाल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर मैंने की थी कि अगर आपने जल्दबाजी में गलती, अब तेरह आ गई, ऐसा बहुत ही कम चांस होगा कि आपकी ये विषम संख्या में आए। तो इसकी भुजा क्या कहती है? चार पांच पांच, सी का मान भी कितना था? पांच। तो ये ध्यान रखने की बात थी, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ये विषम संख्या में नहीं आती आप लोगों के लिए। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हीरोन के नियम से, तो लीजिए हीरोन के नियम से लीजिए। देखिए क्या होता है हीरोन का नियम, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस डी। आप चाहे तो आप ए बी सी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, या आप चाहे तो त्रिभुज ए सी डी है तो इसलिए हमने ए सी डी लिखा है, आपको आदत पड़ गई ए बी सी तो लिख सकते हैं, पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर लिखिए, या आप ए बी सी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। देखिए एस का मान सात, एस माइनस ए सात माइनस चार सात माइनस पांच और सात माइनस पांच। सात तीन दो दो बराबर जोड़ा बन गया दो अंडर रूट इक्कीस। अब वही दो गुणा चार पॉइंट छ बराबर नौ पॉइंट दो वर्ग मीटर। अब सोच रहे हो चार पॉइंट छ कहां से आया, 21 का वर्गमूल लेंगे आपके लिए, दिखा देता हूं मैं आपको, चार 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 चौक सोलह, पांच पॉइंट लगा देंगे ना। अब देखिए यहां क्या रखें, पांच रखो, ज्यादा चला गया, सोचिए। तो देखिए चार चार आठ, पांच बार रखेंगे कम जाएगा, छह बार रखा, छः छंगा छत्तीस असल तीन, आठ छक्की अड़तालीस और तीन इक्यावन, ज़्यादा जा रहा है इसलिए कितनी बार जाएगा, पांच बार।
फिर पांच बार पचम पच्चीस असल दो पचंटा चालीस दो बयालीस पिचहत्तर पिचासी पाँच नब्बे। अब देखिए अब यहाँ कितने रखें, मान लीजिएगा हम सात रखते हैं, सातों सातों उनचास और नौ सातों तिरसठ, आठ रखते हैं आठों आठों चौंसठ आठ नाम बहत्तर, चार पॉइंट पाँच आठ। चूँकि यह जो मान है वो दस पाँच से ज़्यादा है इसलिए चार पॉइंट पाँच आठ को हम चार पॉइंट छः लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है ना निन्यानवे पॉइंट निन्यानवे किसी वस्तु का मूल्य निन्यानवे रुपये निन्यानवे पैसे हो तो हम उसका भुगतान कितना करेंगे, सौ रुपये। इसीलिए चार पॉइंट पाँच आठ को हम चार पॉइंट छः लिख सकते हैं। आगे देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज क्या नाम है यहाँ पे ए सी डी। अब देखिए ए बी सी का मान कितना था, अभी हमने देखा था ए बी सी का निकाला था छः, इसका नौ पॉइंट दो पंद्रह पॉइंट दो वर्ग मीटर लिख सकते हैं लगभग, ज़्यादा करो तो। ठीक है एक बार दोबारा देखिए इस सवाल को अच्छी तरह, एक मिनट के लिए आप स्वयं देखिए फिर मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को। तो देखिए रेडी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, इस त्रिभुज एबीसी का निकाला, ए का मान चार बी का मान पाँच सी का मान तीन एस का मान निकाला छः आ गया, हीरोन के नियम के सूत्र में मान रखा ए का चार बी का पाँच सी का तीन दो बच गए एक।